अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFXMentor। मैं आपका टीचर इमरान। और भैया, एक हमारी मास्टर क्लास चल रही थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई, फॉन्ट्स की यानी कि टाइपोग्राफी की। सो मैं आ गया हूँ वापस से। दुआ करें कि वापस आता रहूँ। आप लोगों का प्यार अगर मिलता रहेगा तो डेफिनेटली आता रहूँगा। और आज हम देखेंगे टाइपोग्राफी में हायरार्की और अलाइनमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये मैं बता दूं कि हायरार्की क्या है। हायरार्की जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, बॉस होता है यानी सीईओ होता है, फिर उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, फिर बाकी एम्प्लॉइज होते हैं, टीम्स होती हैं। सो उसी तरह से आपके टेक्स्ट में यानी जो भी आप रिटन टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें भी हायरार्की होनी ज़रूरी है। मसलन हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, एंड बॉडी कॉपी होती है, बॉडी कॉपी या बॉडी टेक्स्ट आप कह लें। सो एज सच तो कोई इतना बड़ा खास रूल नहीं है। आप लोगों ने बचपन से देखा होगा, आप लोग अगर कॉपीज़ में लिखते होते थे तो मार्कर से हेडिंग डाल देते थे और पेन से आप अपना रिमेनिंग टेक्स्ट लिख रहे होते थे। लेकिन चूँकि अब हम डिज़ाइनर हैं तो यार, देर आर सर्टन टिप्स जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। एक बड़ा सिंपल सा रूल है, अब वो मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो आइए मेरी स्क्रीन पर देखते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, ये एक सिंपल सा पेज डिज़ाइन है जिसके अंदर कुछ फॉन्ट लिखा हुआ है, लॉरम एप्सम है और कुछ भी नहीं है, और एक ऊपर हेडिंग रखी हुई है और मैंने 2x पॉइंट साइज फॉर हेडिंग लिखा हुआ है। नाउ ये क्या है, बड़ी सिंपल सी टिप है। सो मिसाल के तौर पे ये जो हमारा टेक्स्ट है इसका फॉन्ट साइज जो है इट इज़ 18 पॉइंट्स राइट नाउ। सही है, बड़ा सिंपल सा रूल है। आप अपनी हेडिंग को डबल साइज कर लें, मतलब 18 का डबल होगा 36। सो जो भी आपका बॉडी टेक्स्ट का साइज है, बड़ा सिंपल सा काम, सिंपली जाएं और डबल साइज कर लो। सॉरी, ये नहीं यार, इसको। सो आप सिंपली हेडिंग को सेलेक्ट करें और सिंपली 18 का डबल जो होता है वो होता है 36 रख दें। दैट्स इट, डन, आपकी हेडिंग बन गई। नाउ अगर आप अपनी हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड करना चाहें तो यस, कर सकते हैं। एक चीज़ ये देखें कि मेरा जो टेक्स्ट है वो रेगुलर है और जो हेडिंग है वो आप सिंपली इसको जाके बोल्ड कर दें। दैट्स इट। नाउ ये जो फॉन्ट है इसका नाम बड़ा भयानक सा है, बड़ा मुश्किल सा है, बाहन शिफ्ट। मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बाहन शिफ्ट। आप बता दीजिएगा इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, कमेंट्स में लिख के बताना कि कैसा क्या पढ़ेंगे इसको। एनीवेज, सो थिंग इज दैट कि डबल साइज अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको थोड़ा सा और ड्रामेटिक करना चाह रहे हैं। सो समटाइम्स अगर आपकी हेडिंग छोटी है और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार वो पंच नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है, देखें अब चूंकि वर्ड एक ही है और पंच नहीं आ रहा इसमें, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 3x साइज पे चले जाएं या इवन 4x साइज पे चले जाएं। 4x यानी 3x, 4x मतलब 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा। सो अगर इसको 3x साइज की हम बात करें तो 18 का मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तकरीबन 54। सो यहाँ से आप 54 अगर पॉइंट्स कर दें तो यस, दिस इज़ गुड। एंड अगर मज़ीद इसको ड्रामेटिक करना है तो 4x यानी 72, सिंपली मैं इसको 72 कर दूंगा, तो ये भी हो सकता है। नाउ अब आप खुद देख लें कि जो हमारा सिंपल सा फॉन्ट साइज था, यूजुअली लोग एक गलती कर जाते हैं कि रैंडमली इसी तरह से फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा कर लेते हैं। दैट्स टोटली फाइन, कोई मसला नहीं है, इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नाप तोल के चलेंगे ना तो वो एक यूनिक सी उसमें खूबसूरती आना शुरू हो जाएगी। सो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यार आपका फॉन्ट साइज़ क्या है और उसके लिहाज से आप यानी बॉडी टेक्स्ट का साइज़ क्या है और उसके लिहाज से आप अपनी हेडिंग का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक इसका जो साइज़ था वो 54 वाला परफेक्ट था। दिस इज़, आई एम गुड विद दिस। एक चीज़ और, जब आप स्क्रीन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं राइट, तो थोड़ा सा रीडेबिलिटी में इशू आ सकता है। इस वक्त करंटली हमारे टेक्स्ट की लेडिंग जो है वो ऑटो पर रखी हुई है ना। ऑटो लेडिंग, एक और बात मैं बता दूं, लेडिंग क्या होती है, लेडिंग होती है स्पेसेस बिटवीन लाइंस राइट। और ये प्लीज़ गलती से भी इसको लीडिंग मत पढ़िएगा, बहुत सारे लोग इसको लीडिंग पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे लेडिंग। क्यों,
یہ میں اگلی کلاس میں بتاؤں گا کیونکہ تھوڑی سی ہسٹری, بلکہ چلیں ابھی بتا دیتا ہوں. ناؤ لیڈنگ کیوں کہتے ہیں اس کو, کیونکہ ارلی ٹائم میں ٹائپ فیسز جو ہوتے تھے وہ باقاعدہ میٹالک یا ووڈن ٹائپ سیٹنگ ہو رہی ہوتی تھی, وہ الگ الگ ایک ایک الفابیٹس ہوتے تھے, اور ان کی لائنس کے بیچ میں اسپیس بڑھانے کے لیے لیڈ کے پیسز, لیڈ میٹل اس کے پیسز لگائے جاتے تھے. اور دیٹس وائی یہ ٹرم بڑی کامن سی تھی کہ لیڈنگ اس کی اتنے پوائنٹس بڑھا دو یا اتنے پوائنٹس. پوائنٹس یاد رکھیے گا, ہمارے جو ٹیکسٹ ہے اس کا سائز پوائنٹس میں یوزلی ناپا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ناؤ اب یہ جو لیڈنگ ہے بائی ڈیفالٹ آٹو پر رکھی ہوتی. Once you are done with the whole design, صحیح ہے, تب آپ جا کر کے لائک آپ کا ڈیسائڈ ہو جائے کہ فونٹ سائز کیا ہے, پھر اس کے بعد آپ جا کر کے اس کی لیڈنگ بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں. سو لیٹ سے میں اس کی لیڈنگ تھوڑی سی بڑھا کر کے لائک جسٹ لائک 24 کر دیتا ہوں. آٹو پر جو تھی وہ تھوڑی سی کم تھی, 24 میں نے کر دی, بڑھا دیے. میک شیور کہ اس کے بعد اپنی ہیڈنگ اور ٹیکسٹ کے بیچ میں اسپیسنگ کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا. دوسری ایک چیز کہ اب جیسے یہ میرا ایک پیج ڈیزائن ہے, ہو سکتا ہے یہاں پر میں کوئی آرٹ ورک ڈال دوں یا کچھ بھی نہ ڈالوں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا یار, الائنمنٹس. یہ ایک میں یوزلی اسٹوڈنٹس کے کام میں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ایشو آ رہا ہوتا ہے, یار جتنی اسپیسنگ اوپر چھوڑو پلیز اتنی اسپیسنگ نیچے بھی چھوڑو, صحیح ہے. سو بڑا سمپل سا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس باکس کو اس کے سائز کا ایکوریٹ کر دیں, چونکہ یہ ٹیکسٹ باکس ہے اس کو ہم ریسائز کر سکتے ہیں وداؤٹ چھیڑیفائنگ دا فونٹ, صحیح ہے. ہاں اگر ایک چیز اور میں بتا دوں کہ یہ پوائنٹ ٹیکسٹ ہے, یہ پیراگراف ٹیکسٹ ہے, اگر ان دونوں کو میں سلیکٹ کر کے پھر ریسائز کروں گا تو ہاں فونٹ اسٹریچ ہوگا, ٹھیک ہے. سو میک شیور کہ اگر آپ کا پیراگراف باکس ہے تو اس کو آپ ڈائریکٹلی اکیلے کو سلیکٹ کریں اور پھر آپ اپنا باکس چھوٹا کر سکتے ہیں. اس سے ہمیں یہ انداز ہو جائے گا کہ جی ہمارا ٹیکسٹ کتنی جگہ گھیر رہا ہے. آپ چاہیں تو ان دونوں کو گروپ کر لیں اینڈ دین آپ اپنے پیج پر الائن بھی کر سکتے ہیں. سو الائنمنٹ کا پینل کھول لیں اور یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس الائن ٹو سلیکشن لکھا ہوا ہے, یہاں پر آپ کے پاس الائن ٹو آرٹ بورڈ لکھا ہوا ہے اینڈ دین الائن سینٹر, دیٹس اٹ. یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے آپ ایکوریٹ اوپر نیچے کی الائنمنٹ کر سکتے ہیں. ناؤ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کو لیفٹ سائڈ پر اتنا ہی رکھیں گے جبکہ یہاں رائٹ سائڈ پر اتنی ساری جگہ ہے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. آپ اس کو سم ٹائمز یہاں پر بھی لا سکتے ہیں, دیٹس ٹوٹلی فائن, لیکن یہ پھر سینٹر الائن کی طرف جا رہا ہے تو آئی تھنک یہاں تک رہنے دیں. یہ ہماری نگیٹو اسپیس ہے, بریدنگ اسپیس ہے, اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے. ناؤ ایک اور چیز کہ اگر آپ اپنا ٹیکسٹ یہاں رکھنا چاہ رہے ہیں, یوزلی آپ نے بہت ساری بکس میں دیکھا ہوگا اس طرح سے, تو پھر یار ایک چیز خیال رکھیں کہ جب آپ اس طرح کا کر رہے ہیں تو فونٹ سائز اتنا بڑا اچھا نہیں لگتا. میں سجیسٹ کروں گا اس کو انگروپ کریں. اس کا میں فونٹ سائز تقریباً اس وقت 18 ہے, تو لیٹس گو فار آئی گیس 14, اور اس کو میں پھر سے آٹو پہ رکھ رہا ہوں اور تھوڑی سی اس کی الائنمنٹ جو اسپیسنگ ہے وہ چینج کر رہا ہوں. سو 14 پوائنٹس پہ میں 18 پوائنٹس, یپ آئی تھنک 18 پوائنٹس صحیح ہے, اینڈ 14 کا ڈبل ہمارا ہوگا 28. اگر میں 28 رکھتا ہوں تو بہت چھوٹی ہو جاتی ہے ہیڈنگ, اینڈ یس اس کو رکھا جا سکتا ہی ہوں, صحیح ہے. اور آئی ڈونٹ نو, یہ بھی ایک طرح کی الائنمنٹ ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. بٹ دین یوزلی پھر اس طرح کی ہیڈنگ جو اس طرح کا ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف بھی آتا ہے. یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ طریقہ کار ہے الائنمنٹ کا. بگننگ میں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ جو ہماری الائنمنٹ تھی اسٹارٹنگ والی, میں اس کو انڈو کر رہا ہوں سارا اور یہاں رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. ناؤ یہ جو اس وقت آپ کے سامنے ڈیزائن دکھ رہا ہے, دس از مور ایفیشینٹ فار آن اسکرین کنٹینٹ. پرنٹنگ کے لیے اتنا بڑا فونٹ میں سجیسٹ نہیں کروں گا, اف اٹ از اے بک اور اے میگزین اتنا بڑا فونٹ سم ٹائمز چل جاتا ہے, بٹ اتنا بڑا فونٹ یوزلی ہم رکھتے نہیں ہیں پرنٹنگ کے لیے, یاد رکھیے گا. اسکرین کے لیے یس وی ہیو ٹو, کیونکہ لوگ یوزلی موبائل فون پہ دیکھ رہے ہیں, چھوٹی اسکرین ہے, الٹیمیٹلی یار یہ چھوٹا ہی دکھے گا, صحیح ہے. موسٹلی اب کنٹینٹ جو کنزمپشن ہے وہ موبائل فونس کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے یا ٹیبلٹس کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے, اسکرینس بہت چھوٹی ہو چکی ہیں اینڈ اس کے لیے ہمیں فونٹ سائز کا خیال رکھنا ضروری ہے. ناؤ بات یہ ہے کہ یہ جو نیچے میں نے پھینکا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات, بہت سارے اسٹوڈنٹس کا کام جب میں دیکھتا ہوں تو وہ ٹیکسٹ اس طرح سے رکھ دیتے ہیں بالکل چپکا کے,
यार प्लीज कोई भी चीज एज पे टकरानी नहीं चाहिए. मेक श्योर कि यार प्रॉपर मार्जिन्स का ख्याल रखें. मार्जिन्स किस तरह से कोशिश करें, आइडियल सिचुएशन तो ये हो सकती है कि चारों तरफ इक्वल मार्जिन्स आप रख लें. और इक्वल मार्जिन्स रखने के लिए बड़ा सिंपल सा एक तरीकेकार है, आप एक बॉक्स बना लें. एक फर्जी, मैं कोई वो नाप तोल करके नहीं बता रहा हूँ कि जी इतने पॉइंट्स का आपने मार्जिन रखना है या क्या करना है. आप सिंपली आईबॉल कर लें, ठीक है. लाइक मैंने ये एक मार्जिन बना दिया. बॉक्स बनाने का फ़ायदा समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि बस डायरेक्टली इसके साथ ला करके मैं स्नैप कर रहा हूँ अपनी गाइड्स को. That's it. और इस डब्बे को हटा दें. सो अब हमारे पास यार ये मार्जिन्स मौजूद हैं. अब अगर इसके साथ इसको लगाना है, यस जूम करें और इसके साथ ला के लगा दें. सो यस दिस इज अ गुड वे टू अलाइन. अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यार. अलाइनमेंट सिर्फ पेज पर नहीं जबकि अलाइनमेंट टेक्स्ट की भी, ठीक है. सो लेट्स से मैं इसी पेज की एक कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है. और ओप्स अनलॉक बैकग्राउंड एक्चुअली अनलॉक नहीं था और इस वजह से वो एक एरर आ रहा था. एनीवेज मैं फिर से बैकग्राउंड इसके लॉक कर रहा हूँ. कंट्रोल टू शॉर्टकट है. अच्छा एक चीज़, अगर समटाइम्स हम ये भी कर सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट अगर कम है, टेक्स्ट कम होना ज़रूरी है, ठीक है. और उसमें अगर आपका, मैं इसको अनग्रुप भी कर रहा हूँ यार, याद रखिएगा. अब ये अगर टेक्स्ट कम है तो इसमें एक छोटा सा रूल अप्लाई होता है. अगर आप लेफ्ट साइड पे रख रहे हैं अपना कंटेंट तो लेफ्ट अलाइन रखिएगा. लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जी आपके पेज के सेंटर में आए, मतलब इस तरह से, ठीक है. सो मेक श्योर के यार आपकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो सेंटर हो. यानी पैराग्राफ का पैनल खोल लें और यहाँ से सेंटर अलाइन कर दें. अब ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड लग रहा होगा ना. इस चीज़ को मैं अब हटा रहा हूँ यहाँ से बिकॉज इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है. इसको मैं डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में. सो अगर आप सेंटर में कंटेंट रख रहे हैं, कम टेक्स्ट है, सेंटर अलाइन कर दें, परफेक्ट लगेगा, ठीक है. थर्ड ऑप्शन राइट अलाइन. अगेन ये भी कम टेक्स्ट के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है. सो मैं इसकी फिर से एक कॉपी ले रहा हूँ. बाय द वे आप अपने आर्टबोर्ड की कॉपी आर्टबोर्ड टूल से ही लेंगे. मेक श्योर जो भी कंटेंट है वो अनलॉक्ड है, ठीक है. मैं इसको दोबारा से बैकग्राउंड को लॉक कर रहा हूँ. कंट्रोल टू से लॉक हो जाती है ये चीज़ जो भी आपने सेलेक्ट की होती है. ओके जी. सो अब हमारा दूसरा तरीक़ेकार, हम ये रखना चाह रहे हैं कि जी हमारा टेक्स्ट जो है लेफ़्ट की तरफ रखा हुआ है. लेफ़्ट की तरफ है, टेक्स्ट कम है. मेक श्योर कि आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट वो राइट साइड पर हो, ठीक है. एंड लाइक दिस, ठीक है. सो ये चीज़ एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि आपका कंटेंट कहाँ. यूजुअली द बेस्ट अलाइनमेंट इज़ द लेफ्ट अलाइंड, ठीक है. क्योंकि देखिए इंग्लिश हम पढ़ रहे होते हैं तो वो लेफ़्ट की तरफ से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है. बट समटाइम्स कम टेक्स्ट की वजह से हम उसको बैलेंस करने के लिए सेंटर में भी रख सकते हैं एंड राइट साइड पर भी रख सकते हैं. बट देन फिर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप अपने पेज के राइट साइड पर रख रहे हैं तो आपकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट शुड बी राइट अलाइंड. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी चीज़ है. छोटी छोटी सी चीज़ें हैं. ये जो पूरी सीरीज़ है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको छोटी छोटी सी वीडियोज़ में मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके कुछ चीज़ें बताता रहूं. और ये वो छोटी चीज़ें हैं जिसका ख्याल रख के आपके काम में एक नेक्स्ट लेवल आने लगेगा, ठीक है. नाउ आ जाएं वापस. ये जो मैंने रखा हुआ था बाहर, जैसे मैंने कहा था कि कोई भी टेक्स्ट आप एज पर नहीं रखेंगे, पेज के एज पर नहीं रखेंगे, फिर मैंने यहाँ क्यों रखा हुआ है. सिंपल, समटाइम्स हम बहुत सटल सी एक हेडिंग की बात कर रहे होते हैं, सटल सा टॉपिक किसी के अपने ऑडियंस के दिमाग में डालना चाह रहे हैं. एक वर्ड, सिंगल वर्ड आप बढ़ा करके, ड्रामेटिक करके, स्क्रीन से कटा हुआ ज़रूरी है, लेकिन इतना कटा हुआ कि वो रीडेबल हो, पढ़ा जा सके. ऐसा ना हो कि इतना आपने काट दिया कि वो गायब ही हो जाए, मतलब कुछ पढ़ा ना जा रहा हूँ. सो मेक श्योर कि आप समटाइम्स ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं कीजिएगा. समटाइम्स ये चीज़ कर सकते हैं, डिलिबरेटली हमने काटा है और इट क्रिएट्स सम टेक्सचर, इट क्रिएट्स अ मैसेज,
subliminal kind of message, but yes, this is so powerful और बहुत अच्छा लगता है. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ. सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करो यार दोस्तों के साथ. मेहनत लगती है बॉस, मेहनत लगती है. प्लीज़ थैंक यू.